ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। आज हम करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। जो डेली देखते हैं प्लीज वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम एक इक्लियन फॉर्म भी पढ़ेंगे और अगुमेंटेड मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे, वो सब क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ऐसी कितनी रोज है जिसमें आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, उसको कहते हैं आप रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। और डेफिनेशन की बात करें तो नंबर आर, आर कुछ भी हो सकता है, मतलब रैंक है, 3 रैंक 2 रैंक 1 रैंक, बट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर आर इज सेड टू बी अ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये है इसकी डेफिनेशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉन जीरो। मतलब क्या है, सबसे पहले तो मैंने माइनर बताया आपको क्या, कि अगर कोई 2 3 3 2 3 3 2 1 4 1 ऐसे है, ये आपके पास मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट करना है मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर। माइनर क्या है, माइनर ये है, या तो ये वाला ले लो, कितने ऑर्डर का है ये, 2 into 2, या फिर माइनर ये वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लो, या फिर ये वाला ले लो, मतलब इस माइनर का क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट, या फिर ये वाला ले लो, क्लियर। ये सब क्या है, माइनर, और ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, तो मतलब जैसे ये है डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनस ऑफ ऑर्डर, कितना ये ऑर्डर इनका, हर एक माइनर का ऑर्डर कितना है, 2, इज नॉन जीरो। कि अगर एक का भी माइनर, एक के भी माइनर का डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो नहीं आता तो वो आपका रैंक कहलाता है। जैसे यहां पे देखिए 4 2 8 3 2 6, तो 4 2 8 मैंने कौन सा लिया आपका, 2 3 2 4, ये लिया 4 2 8 3 2 6, कितना आया मेरा, 2, जीरो नहीं आया, तो मतलब आपका रैंक यहाँ पे पॉसिबल है, डेफिनेशन आपकी ये कह रही है। अगर जीरो आता तो हम फर्दर करते, अब देखिए किसी का भी ले सकते हैं, बट एक का नॉन जीरो आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एक देखू 3 3 3 3, तो यहाँ पे 3 3 9 3 3 9, यहाँ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बट मेरा कंडीशन नीचे वाले से फुलफिल हो गया। यहाँ भी देखिए 3 1 3 4 3 12, तो यहाँ भी आपका माइनर नॉन जीरो नहीं आ रहा है, क्लियर, सॉरी जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब एटलीस्ट वन, एटलीस्ट आप ध्यान रखिए, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर इज नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, जो रैंक है वो ऑफ एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, हमेशा जो रैंक है आपका वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ आर इज, देन रैंक ऑफ आर लेस देन, रैंक ऑफ ए लेस देन आर। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अगर मान लीजिए ऐसे होता 2 3 3 2 3 3 2 3 3, ये होता, अब इनके माइनर के डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 2 6 3 2 6 कितना हो गया, 0, 3 3 9 3 3 9 कितना हो गया, 0, 3 2 6 3 2 6 0, 3 3 9 3 3 9, या ये एलिमेंट भी ले सकते हैं 3 2 6 3 2 6, सारे माइनर्स क्या आ रहे हैं, सारे माइनर्स के डिटर्मिनेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे। तो अगर ऐसा है तो ये जो माइनर है इनका ऑर्डर कितना था, 2 था, तो मैंने क्या कहा कि अगर आपके ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर, या सपोज 2 है इज इक्वल टू 0, तो जो उसका रैंक है उस ऑर्डर से लेस होगा। तो यहां ऑर्डर क्या था, हर एक माइनर का 2 था, तो आपका रैंक क्या होगा, इज इक्वल टू 1, क्लियर। इफ ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर इज इक्वल टू 0, देन रैंक लेस देन दिस ऑर्डर, ठीक है। और एक और चीज कि जो रैंक को है वो डिनोट करते हैं रो, और ये ए जो है आपका वो मैट्रिक्स है। आई थिंक क्लियर है। और अगर हम मेथड करेंगे, इसमें 3 मेथड्स आते हैं,
पहला मेथड है माइनर मेथड, या उसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है इक्लियन फॉर्म, तीसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन जो पहला मेथड है आपका डिटरमिनेंट मेथड, वो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान है। अगर 3x3 मैट्रिक्स आती है आपकी रैंक निकालने के लिए, तो आपको फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका 4x4 ऑर्डर आता है, 5x5 ऑर्डर मैट्रिक्स आती है, तो आपको सबसे बेटर है इक्लियन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हर एक मेथड से। फर्स्ट मेथड है डिटरमिनेंट मेथड या फिर माइनर मेथड। डिटरमिनेंट मेथड या फिर इसको क्या कहते हैं, माइनर मेथड। अब देखिए, सबसे पहले मैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए आपको रैंक बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सबसे पहले तो पता है आपको 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स या m मैट्रिक्स या फिर n इंटू n ऐसे कहते हैं, तो इस क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता है अगर मैंने 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए माइनर निकालना है, तो जो इसका रैंक है या तो 3 हो सकता है या फिर लेस देन 3 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इतना पता है कि इसका जो रैंक है या तो 3 हो सकता है या फिर लेस देन 3 हो सकता है। क्लियर, तो सबसे पहला जो मेथड है माइनर मेथड, आपको क्या करना है इसमें, डिटरमिनेंट चेक करना है। तो आपको डिटरमिनेंट चेक करना है, डिटरमिनेंट अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, डिटरमिनेंट अगर आपका 0 के बराबर नहीं आता, तो सिंपल रैंक आपका कितना हो गया, 3। क्लियर, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है, तो दो कंडीशन है, आपको नेक्स्ट माइनर का डिटरमिनेंट चेक करना है। तो अगर माइनर का डिटरमिनेंट आपका 0 आता है या फिर माइनर के डिटरमिनेंट एटलीस्ट वन ऑफ माइनर डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर सारे के सारे जो माइनर का डिटरमिनेंट है वो 0 होगा। अगर 0 नहीं होगा, तो इट मींस आपका रैंक कितना है उस ऑर्डर का, r मतलब कितना है, 2 है। ठीक है, और अगर सारे माइनर का डिटरमिनेंट 0 है, तो मतलब आपका रैंक कितना है, 1 है, 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, बहुत आसान है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, -1, -2, -3, -2, -4, -1, ये है आपका क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है रैंक, मैंने क्या कहा, डिटरमिनेंट करते हैं, +1, -7, 4, 28, -2, +2, and next -14। ठीक है, और ये माइनस माइनस कट हो गए, तो -1, और लास्ट +3, और ये दो -4, और -, ठीक है, -4, -+, तो कितना हो गया आपका, -1, आपको पता चल रहा है कि आपका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, +2, -15, और ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना हुआ, -30, तो आपका कितना हुआ, -60। डिटरमिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन का जो रैंक है आपका वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन का जो रैंक है वो 3 होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं है। अब देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा 3x3 ऑर्डर के लिए डिटरमिनेंट करना आसान होता है, इसलिए आपको ये मेथड बताया। अगर 3 से ज्यादा ऊपर वाले ऑर्डर है, तो आपको डिटरमिनेंट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए उसको किसी और मेथड से करना है। सेकेंड वाला करते हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो क्या है। क्वेश्चन है 2, 1, -1, 0, 3, 2, 0, 3, -2, and 2, 4, -3। क्लियर, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट करते हैं इसका। तो डिटरमिनेंट +, -+, C1 के अलोंग भी कर सकते हैं, A है ये, इसका डिटरमिनेंट करते हैं 2, 3 3 9,
और माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 माइनस 1 0 माइनस 12 सॉरी 6 और ये है माइनस 1 एंड 0 माइनस 1 बाहर तो ये 0 और ये वाला 0 3 जा 0 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 लास्ट माइनस 1 0 माइनस 6 मतलब माइनस 6 कितना हो गया ये माइनस 2 क्योंकि अंदर हुआ माइनस 1 और ये माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया माइनस 6 प्लस 6 जो किसके बराबर है 0। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपका डिटरमिनेंट 0 है तो दो कंडीशन होगी, आपने क्या करना है माइनर चेक करना है। तो आप माइनर चेक कीजिए ये फिर ये या फिर ये वाला ये या फिर ये वाला कोई भी माइनर। अब देखिए मैं अगर 2 1 0 3 3 2 6 माइनस 0 डज नॉट इज इक्वल टू 0 कंडीशन यही फुलफिल होगी। मतलब अगर रैंक आपका 0 नहीं है तो एटलीस्ट वन ऑफ द रैंक का डिटर्मिनेंट, अगर आपका 0 नहीं है तो आपका रैंक 2 हो गया। ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ वन ऑफ द माइनर डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब कोई और भी चेक कर लीजिए आप, जैसे ये चेक कर लेते हैं 3 - 2 4 - 3 चेक करने की जरूरत नहीं, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 माइनस 1 अगर ये 0 भी आता बट मुझे तो एटलीस्ट वन ऑफ द माइनर चाहिए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है कोई भी मतलब एक माइनर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, शुरू में ही हो गया ये 0 नहीं है तो मतलब इस क्वेश्चन का जो रैंक है वो कितना हो गया, इस क्वेश्चन का रैंक कितना हो गया 2। अगर चेक करके सारे माइनर का डिटर्मिनेंट 0 आता तो मेरा रैंक कितना होता 1 होता फिर। क्लियर है बहुत आसान है ये तो इसे। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये कौन सा 1 2 3 3 रोज है 4 कॉलम है। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, 3 × 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है। 3 × 4 या 4 × 3 के लिए भी एक बहुत आसान सा मेथड है, यही वाला मेथड है लेकिन करना कैसे है, इफ m इंटू n मैट्रिक्स दिया है आपके पास तो आज जो आपका रैंक होगा इसका वो लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन होगा। ठीक है जो रैंक है लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन, कैसे मतलब अगर मेरे पास 3 × 4 मैट्रिक्स है तो जो रैंक है आपका वो लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 4 तो इसमें मिनिमम क्या है इसमें मिनिमम 3 है तो दैट इज रैंक जो है वो लेस देन इज इक्वल टू आपका 3 होगा, या तो लेस देन 3 होगा या फिर 3 होगा। तो मतलब अगर आपका 3 × 4 या 4 × सबके लिए वैसे ही हो सकता है, अगर आप 4 × 5 भी करेंगे तो उसमें मिनिमम क्या है 4 है तो लेकिन हम 4 के लिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है तो रैंक जो आपका 3 है या उससे लेस है तो आसानी से हम डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। तो 3 × 4 या 4 × 3 में जो मिनिमम होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने मिनिमम देखना है, उसमें 3 ही मिनिमम होगा तो उसका रैंक कितना हुआ या तो 3 हुआ 3 से लेस हुआ। अब हम आगे जैसे चेक करते थे सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है इसका, लेकिन डिटर्मिनेंट किसका चेक करना है 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। अब कोई भी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स ले लीजिए इस वाले क्वेश्चन से। अब मैं स्टार्टिंग के ले सकती हूँ ये वाले 3 ले सकती हूँ 1 2 3 ये ले सकती हूँ कोई भी 3। ठीक है तो स्टार्टिंग के लिए लेते हैं 1 2 3 2 3 5 1 3 4 आई रिपीट आप इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 1 2 2 1 2 और लास्ट वाला लिया और सेकंड के 2 कॉलम्स ले लिए ये वाले ले लिए और लास्ट वाला कॉलम ले लिया 2 1 5। क्लियर इसका निकालो आपका डिटर्मिनेंट ऑर्डर इन 3 ऑर्डर मैट्रिक्स कहेगा तो क्या होगा ये प्लस माइनस प्लस 1 4 3 12 माइनस 15 माइनस 2 4 2 8 माइनस 5 प्लस 3 3 2 6 माइनस 3 डिटर्मिनेंट ए 1 - 3 3 3 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9 तो कितना हुआ माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0। तो अब हम क्या चेक करेंगे माइनर चेक करेंगे तो माइनर चेक कीजिए। ठीक है एटलीस्ट वन माइनर का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए
फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव थ्री जा फिफ्टीन. मैंने क्या चेक किया, थ्री फाइव थ्री फोर एक ले लिया, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, माइनस थ्री डज नॉट इज इक्वल टू जीरो. तो अगर माइनर आपका जीरो नहीं है तो रैंक इससे छोटा होगा. कितना होगा, रैंक आपका टू आ गया. और अगर सारे डिटर्मिनेंट्स ऑल माइनर यहाँ पे उस करते और उसका डिटर्मिनेंट करते जीरो होता तो आपका रैंक कितना होता, वन होता. क्लियर है. नेक्स्ट मेथड है रैंक निकालने के लिए इक्लियन फॉर्म. ये सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें क्या है, आपका थ्री इंटू थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स तो बहुत आसान था कि डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो रैंक थ्री हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उनके माइनर का डिटर्मिनेंट चेक कर लो. अगर सब सारे माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो है तो रैंक वन होगा, अगर किसी एक का भी डिटर्मिनेंट आपका जीरो नहीं है तो रैंक आपका टू होगा. बट यहाँ पे क्या है, ये अप्लाई होगा किसी भी ऑर्डर, फोर इंटू फोर, फाइव इंटू फाइव, थ्री फोर इंटू फाइव, सबके लिए अप्लाई हो सकता है. तो ये देखिए वन टू थ्री फोर, फोर रोज, वन टू थ्री फोर, फोर फोर इंटू टू फोर ऑर्डर मैट्रिक्स है. क्लियर. लेकिन इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है. रो मैट्रिक्स आर, रो ऑपरेशन आर अलाउडेड. इसमें क्या है, सिर्फ रो ऑपरेशन लगा सकते हैं. हमने ऑपरेशन पढ़े थे डिटर्मिनेंट में जिसमें हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे और फिर डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज थी ठीक है उसका यूज करके. तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, कॉलम नहीं अप्लाई होंगे, इसीलिए इसको रो इक्लियन फॉर्म भी बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है इस रिड्यूस कैसे करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपका, जिसमें आपके डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाते थे, जीरो हो जाते थे. डायगोनल के जितने भी डायगोनल के नीचे वाले, जो डायगोनल जरूरी नहीं है जीरो है ठीक है, डायगोनल के जितने भी नीचे वाले एलिमेंट क्या हो जाते थे, वो जीरो हो गए. तो उस फॉर्म में आपने ट्राई करना है कि डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो ट्राई करने की कोशिश करनी है. ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर. एक और चीज है कि हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप वन रखते हैं तो भी बहुत आसान हो जाएगा. हर एक रो में, जैसे फर्स्ट रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, वन ही है, तो इसको मैं जीरो ट्राई करने की कोशिश नहीं करूंगी. वैसे भी आपका डायगोनल यहां से स्टार्ट होता है ठीक है, डायगोनल ये वाला है तो डायगोनल के नीचे वाले जो है ये सब इतने ये आपको जीरो बनाने की कोशिश करनी है. तो अब देखिए ये वन है, हो गया फर्स्ट रो में वन है आपका, इसको रहने देते हैं, वन टू थ्री माइनस वन. अब क्या करना है आपको, ये जो वन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है उनको जीरो करने की कोशिश करनी है. तो कितना, माइनस टू इस ऑपरेशन में लगा दो और वन माइनस वन यहां भी जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्या है, जीरो है. तो मैं क्या करूंगी, आर टू पे ऑपरेशन लगाऊंगी ठीक है. आर टू ये ऑलरेडी माइनस टू है, यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए. तो मतलब आर टू प्लस टू आर वन. दूसरा आर थ्री, आर थ्री माइनस आर वन, इसी है माइनस टू प्लस टू, कितना हो गया, जीरो. माइनस वन प्लस फोर, कितना हो गया, थ्री. माइनस थ्री, थ्री टू जा सिक्स, प्लस सिक्स प्लस थ्री, और माइनस वन और यहां भी माइनस टू, तो कितना हो गया, माइनस थ्री. क्लियर है. वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस टू माइनस टू, वन माइनस थ्री माइनस टू, और वन माइनस ऑलरेडी यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, टू. और लास्ट जीरो वन वन माइनस वन. क्लियर है. पहला जो आपका ये डायगोनल वाला वन है, नेक्स्ट क्या है, थ्री, इसको भी मुझे क्या बनाना है, वन. मैंने कहा हर एक रो में जो डायगोनल बनेगा, जैसे ये फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए. तो अब मुझे इसको वन बनाने की कोशिश करनी है, तो देखिए थ्री से डिवाइड भी कर सकती हूँ. एक और चीज भी है, थ्री से डिवाइड भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करेंगे यहाँ पे, ये वन को आर फोर को आर टू से इंटरचेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा ये, वन टू थ्री माइनस वन जीरो, वन वन माइनस वन, और जीरो माइनस टू टू, और जीरो थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया. अब ये वन
यहाँ वन, इसके नीचे वाले एलिमेंट मुझे क्या करने, जीरो ट्राई करने, तो क्या हो जाएगा वही आर टू को इसके साथ और आर थ्री को भी आर टू के साथ। अब कैसे करेंगे, मैं अप्लाई करूंगी आर थ्री पे, आर थ्री माइनस टू, यहाँ पे फिर से आर थ्री प्लस आर टू, टू आर टू, ठीक है, क्योंकि टू प्लस का चाहिए तभी जीरो आ जाएगा, और थ्री माइनस थ्री मतलब आर फोर, आर फोर पे मल्टीप्लाई करना है माइनस थ्री आर टू, क्लियर। तो देखिए क्या बना आपका, वन टू थ्री माइनस वन, सेकेंड रो जीरो वन वन माइनस वन एज इट इज, एंड अब देखिए जीरो और जीरो, तो जीरो ये माइनस टू प्लस टू जीरो, क्लियर, एंड माइनस टू यहां पे कितना था प्लस टू, ये भी कितना हो गया जीरो, प्लस टू ऑलरेडी और यहां पे माइनस टू जीरो, क्लियर। और नेक्स्ट जीरो इंटू ये तो जीरो ही हो गया, थ्री माइनस थ्री जीरो, एंड थ्री माइनस थ्री यहां भी जीरो, माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस थ्री, ये कितना हो गया जीरो। तो अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स के जो नीचे वाले आपके एलिमेंट है वो क्या आ गए आपके जीरो आ गए। तो मैंने क्या कहा था कि आपको इक्लियन फॉर्म में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है, तो ये जीरो आ गए, हो गया आपका। अब नॉन, मैंने क्या कहा था, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, एक और दो, तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी आ गई आपके पास, टू, क्लियर है। तो इक्लियन फॉर्म में आपको क्या करना है, रो ऑपरेशन ही अप्लाई करने हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्राई करना है इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है उनको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। एक और चीज कि हर एक रो में, हर एक रो में फर्स्ट जो नॉन जीरो एलिमेंट है वन, यहां भी नॉन जीरो एलिमेंट वन ट्राई करने की कोशिश करिए, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर है। लास्ट मेथड है रैंक निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्म, क्लियर। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन आर अलाउडेड, एंड नेक्स्ट रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होती थी, ऐसे वन जीरो 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 वन, इस तरह, मतलब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नॉर्मल फॉर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। इक्लियन फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वन हो, मतलब सेकंड कॉलम पे ही वन हो सकता है यहाँ पे जीरो हो जाए और थर्ड कॉलम में वन आए, ठीक है। बस यही डिफरेंस है नॉर्मल फॉर्म और इक्लियन फॉर्म में। इक्लियन फॉर्म में हर एक कॉलम में जरूरी नहीं है कि वन आ जाए, क्लियर। इसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हर एक कॉलम में आपको वन चाहिए या डायगोनली वन चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल है, फर्स्ट वन है, ऑलरेडी वन है, इसको क्या बनाना है, जीरो, फटाफट लगाते हैं आर टू, आर टू माइनस टू आर वन, और आर थ्री, आर थ्री माइनस आर वन, तो वन टू थ्री टू, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू टू जा फोर माइनस वन, फाइव माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, वन माइनस फोर टू टू जा फोर मतलब माइनस, सॉरी वन माइनस टू 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 जा फोर मतलब माइनस थ्री, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस टू थ्री, क्लियर। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, ये जीरो आ गया, नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ वन चाहिए, तो या तो इंटरचेंज करो, लेकिन आप आर टू को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे वन टू थ्री टू, जीरो वन वन थ्री, जीरो वन वन थ्री, बहुत आसान है, ये वन आ गया। तो मैंने क्या कहा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है इस, और इसको वन बना, जीरो बनाने की कोशिश करो, तो इसको तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऑपरेशन यहां लिख लेती हूँ, आर वन पे आर वन माइनस टू आर टू, एंड आर थ्री पे आर थ्री माइनस आर टू, क्लियर। अब देखिए आर वन पे वन माइनस समथिंग, ये तो जीरो वन ही हो गया, टू माइनस टू जीरो, टू माइनस टू यहां पे लगा दिया, ठीक है, जीरो,
एंड 3 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 3 2 2 माइनस 3 2 6 तो कितना हुआ 2 माइनस 6 माइनस 4 और फर्स्ट सेकेंड रो एज इट इज 0 1 1 3 एंड नेक्स्ट देखिए 0 R3 माइनस R2 0 0 एंड 0 सारा क्या आ गया आपका 0। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बनाना था आपको। तो मैंने क्या कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में ट्राई कीजिए, अब इसको भी आप 0 बना सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है सारे एलिमेंट 0 होते हैं सिवाय डायगोनल मैट्रिक्स की। तो अगर आप इसमें भी ट्राई करेंगे तो ये भी बन जाएगा आराम से 0। लेकिन मुझे क्या चाहिए, रैंक चाहिए। तो रैंक मेरा वैसे भी यहाँ 1 है तो ये 0 बन जाए, लेकिन 1 रहेगा एक पहली रो में और यहाँ भी 1 रहेगा सेकंड रो में, चाहे ये 0 भी बन जाए। क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना लीजिए माइनस करके, ठीक है। बट मुझे पता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आएगी, मेरी 2 ही आएगी। आप इसको भी 0 कर लीजिए, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0 कर लीजिए, ठीक है। तो मतलब 1 माइनस 1 करके आपका ये 0 आ सकता है और यहां भी पहले 1 आएगा देन माइनस कर सकते हैं आप। बट मेरा कहने का क्या मतलब है, मुझे रैंक चाहिए। तो मेरा पहले ही आपका आ चुका है कि ये आपका 0 नहीं बनना चाहिए, ये 0 नहीं बनना चाहिए। तो 2 रोज में 1 1 है नॉन जीरो एलिमेंट। क्लियर? तो आपका रैंक कितना हो गया, 2। बाकी आप इसको ट्राई करिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाने का। मैट्रिक्स जो रैंक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है अगर इक्लियन फॉर्म, और अगर 3 × 3 वाला आएगा तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट कीजिए, ठीक है। अब कुछ टॉपिक पढ़ने हैं हमने। मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, आपको मैंने बताया था कि a11 x1 a12 x2 a1n xn, इस तरह a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn। यहां भी am1 x1 am2 x2 एंड amn xn। ये था आपका अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल। अब मुझे क्या करवाना है, हम कैसे करते थे इसको, a मैट्रिक्स को a11 a12 a11 अलग करते थे, वेरिएबल्स अलग करते थे, और जो आपका इस तरफ होता था b1 b2 b3, ये कांस्टेंट टर्म एंड सो ऑन bn। क्लियर? ये कांस्टेंट टर्म होती थी b मैट्रिक्स की। अब देखिए मुझे बताना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ए बी, या तो ऐसे लिखते इसको या फिर a:b इज सेट टू बी इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, या तो आप इसको ऐसे लिखते ए और ये साइन लगा के बी, और या फिर a:b लिखते हैं। अगर इस इक्वेशन को मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए मैट्रिक्स a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn, और यहां पे ऐसे लाइन लगा दो, ये b1 b2 and bn। ये सिर्फ जैसे हम मैट्रिक्स मेथड में ax = b करते थे उसमें ये एक्सप्रेशन था, तो ऑगमेंटेड मेथड में ये वाला एक्सप्रेशन है। हमने पढ़ा है a = ia, प्लस टू में पढ़ा है हमने a = ia। हम क्या करते थे, इसको पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे और इधर ए इनवर्स बनाते थे, तो जो ऑपरेशन यहां लगते थे वो ऑपरेशन इधर भी लगते थे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी यही है, जो ऑपरेशन आप यहां लगाओगे वो ऑपरेशन आप
यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सिंपल मोटो था कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, वो है आपका इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे वो ऑपरेशन आप यहाँ भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, क्लियर। जैसे हम प्लस टू में करते थे कि यहाँ ऑपरेशन लगाते थे तो इधर भी ऑपरेशन लगाएंगे, क्लियर। तो उसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये क्यों करवाया, उससे पहले थोड़ा इक्लियन फॉर्म पढ़ते हैं। इक्लियन फॉर्म से पहले पाइवट एंट्री क्या होती है वो पढ़ते हैं। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है, मैट्रिक्स। हर एक रो में एक पाइवट एंट्री होनी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्लियन फॉर्म बताई आपको कि हर एक रो में एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा, वही हमारा क्या होगा, पाइवट एंट्री। मान लीजिए यहाँ पे पाइवट एंट्री है फर्स्ट रो में, और कहाँ, ये फर्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट जो पाइवट एंट्री होगी वो यहां नहीं हो सकती, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में नहीं हो सकती, लेकिन सेकंड रो में हो सकती है, बट इसके नीचे नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाइवट एंट्री आ चुकी है। तो मतलब सेकंड पाइवट एंट्री यहां हो सकती है या फिर इधर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है यही हो, क्लियर। अब अगर मुझे सेकंड पाइवट एंट्री मिल गई तो अब जो नेक्स्ट वाली पाइवट एंट्री होगी वो थर्ड रो में होगी, बट मेरी इधर नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, इसके आगे ही होगी। जरूरी नहीं है कि यहां हो, इसके अगले वाले एलिमेंट में, जो A44 यहां भी हो सकती थी, क्लियर। तो मतलब सीक्वेंस में नहीं है। पाइवट एंट्री का मतलब है कि हर एक रो में 1000 मान लो ऐसे है, 00 यहां नहीं होगी अब कोई पाइवट एंट्री, मान लीजिए यहां भी नहीं हुई, नेक्स्ट वाले ही फर्स्ट रो में होगी एक पाइवट एंट्री, सेकंड रो में होगी, बट जरूरी नहीं है यहां इस कॉलम में तो नहीं आ सकती, जरूरी नहीं है कि सेकंड कॉलम में भी आए, यहां भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां नहीं होगी, अब सेकंड रो में होगी, थर्ड रो में होगी, बट थर्ड वाले कॉलम के अगले वाली रो में, अगले वाले कॉलम में, तो यहां होगी, और अब यहां नहीं होगी, नेक्स्ट वाले में यहां हो सकती है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनली 1-1 बनता था, यहाँ डायगनली 1-1 नहीं बन रहा है, कि बीच में किसी हो सकता है किसी कॉलम में आपकी पाइवट एंट्री ना हो। पाइवट एंट्री क्या हुई, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो, क्लियर। हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, जैसे ये हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। और अगर आप इसको वन करेंगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्लियन फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले आप आई थिंक पाइवट एंट्री समझ गए होंगे। तो अगर आपका ऐसे ये स्टेयर टाइप ऐसे फॉर्म बने, इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इक्लियन फॉर्म। दिस स्पेशल फॉर्म इज कॉल्ड इक्लियन फॉर्म, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इक्लियन फॉर्म कहेंगे। लेकिन अगर सपोज जरूरी नहीं है, ऊपर को मान लीजिए यहां पे कुछ है 3-4 है तो ये इक्लियन फॉर्म है। लेकिन मैंने क्या कहा, सिर्फ कि हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका वन होना चाहिए, यहां वन है, यहां वन है, यहां वन है, या फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए। बट अगर आपके पास 1000, अब ऐसे है 00100001, मान लीजिए ऐसे है। अब देखिए, वन के नीचे, वन के ऊपर या नीचे, वन के नीचे या ऊपर, सारा का सारा क्या, और एलिमेंट क्या आ रहे, जीरो आ रहे। क्या कहा मैंने, कि अगर आपकी हर एक पाइवट एंट्री के ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं, जीरो, सारे एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, उसको कहेंगे गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन। तो अब देखिए, गॉस जॉर्डन रो रिडक्शन है क्या। हम क्वेश्चन हम करते थे ऐसे, 3x + 4y + 5z = 3, 2x - 3y + 4z = 4, x + 3y + z = 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन हम क्या करते थे, मैं बताऊं कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे, क्या करते थे, हम लोग करते थे आपका क्रैमर रूल अप्लाई, क्रैमर
क्रैमर रूल, वैसे डायरेक्ट भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बट ज्यादा क्रैमर रूल अप्लाई करते थे और हमारा हो सकता था D1 D2 मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, मतलब सॉरी क्रैमर रूल से D1 निकालते थे, D1/D से हम क्या निकालते थे x, D2 dy से y और z, D3 D से z निकालते थे। लेकिन अब क्या है, अगर मान लो 4x + 3y - z = 6 चौथी इक्वेशन आ गई, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गई, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो ये क्रैमर रूल है वो वहां पे क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें ज्यादातर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का आसानी से आता है, ठीक है, या कर सकते हैं आसानी से। अब फोर इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स, फोर इक्वेशन के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन सा मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड। सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है, मैंने यहां पे लिखा है गॉस जॉर्डन मेथड में राइट द गिवन इक्वेशन इनटू ऑगमेंटेड फॉर्म। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को ऑगमेंटेड फॉर्म में करना है, देन रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, उसको गेट रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इक्लियन फॉर्म। और इक्लियन फॉर्म में भी आपने क्या करना है, फर्स्ट हर एक फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 रखना है, उसके ऊपर या नीचे क्या कर देना, आपने 0 बना देना है, ठीक है, और फिर आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन, जो आपका लास्ट जो चीज बचेगा वो सॉल्व करके आपका एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए, तीन इक्वेशन होती तो मैं क्रैमर रूल अप्लाई करूंगी, पर चार इक्वेशन है तो मुझे ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने कहा था गॉस जॉर्डन जो रो रिडक्शन है, सबसे पहले ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, ये 1 1 1 2 1 3 5 2 1 3 2 -3 and -2 2 -3 -2 और b वाला क्या है 6 13 6 13 12 -10। इसको सबसे पहले आपने किस में लिखा, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब आपको इक्लियन फॉर्म में बनाना है, हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, ये क्या है 1, इसको नहीं करेंगे। अगर ये 1 है तो इसके नीचे वाले सारे के सारे क्या बनाने, 0 बनाने। तो क्या करूंगी मैं, R2 R2 -2R1 R3 R3 -5R1 R2 R2 -R4 R4 R4 -2R1 करते अप्लाई, तो 1 1 1 और साथ में 6, ये एज इट इज रहेगा, क्लियर। R2 -2 -2 0 1 -2 -1 3 -2 1 13 और यहां 6 2 12 13 -12 1, क्लियर। 5 -5 0, नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रही हूं, 3 2 -5 -3 1 -5, क्लियर। तो 1 -5 -4 और नेक्स्ट क्या हुआ, 12 और यहां कितना हुआ, 13, 6 5 30, तो कितना हुआ 18 -18। नेक्स्ट 2 -2 0, 3 -3 और यहां कितना हुआ, -2 -5 और यहां -2 और -2 -4 और यहां -10 और ये कितना हो गया, -10 और यहां -22। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला सेकंड रो देखिए, सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन क्या है ये -1 है, तो आर टू को क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, क्लियर है। आर टू को मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, नेक्स्ट। अब ये पाइवट एंट्री इसके ऊपर नीचे वाले क्या करने, मुझे 0 कोशिश करने, तो अब इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0 बनाने की कोशिश करिए, तो क्या लगाएंगे हम लोग, R2 R3 पे, जो R2 है वो एज इट लिखो 0 1 -1 और ऐसे स्लैश जैसा लगा के -1 R2 पे
कोई अप्लाई नहीं होगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर वन, आर वन मैं ये वाली टर्म जीरो बनानी है, तो वन माइनस वन कितना हुआ, जीरो, तो वन एज इट इज रह गया, ठीक है, वन माइनस वन जीरो। अब दिस और ऑलरेडी माइनस है तो दो आ गया, और ये सिक्स ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो सेवन आ गया, क्लियर है। और नेक्स्ट नीचे वाली देखिए, आर थ्री पे, आर थ्री को आपको इसको जीरो बनाना है, तो आर थ्री तो पहले से ही नेगेटिव है, तो प्लस आर टू, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से, ठीक है, थ्री आगे लिख लेना। तो अब कैसा हो जाएगा ये तो जीरो है, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, माइनस फोर प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस सेवन, और माइनस एटीन, और यहां पे प्लस थ्री था लेकिन माइनस थ्री, तो माइनस ट्वेंटी वन। और इसको भी जीरो बनाना है, तो इसमें क्या लगेगा, आर फोर, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू करो, आर फोर प्लस फाइव आर टू, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में, ठीक है, तो जीरो, और ये भी जीरो हो गया, दिस माइनस माइनस फोर, और ये माइनस फाइव, माइनस नाइन, और लास्ट माइनस ट्वेंटी टू है ये, और ये कितना था, माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू वन माइनस ट्वेंटी सेवन, क्लियर है। देखिए ये वन था फर्स्ट वाला, जीरो कैसे कर दिया, ठीक है, वन था, क्लियर। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट पाइवट एंट्री सेकंड रो में भी आ गई, फर्स्ट रो के पाइवट एंट्री के ऊपर नीचे सारा जीरो, यहां भी ऊपर नीचे सारा जीरो बना दिया। अब थर्ड में ट्राई करेंगे, थर्ड क्या है, यहां पे मुझे वन चाहिए, तो डिवाइड बाय सेवन करूंगी, आर थ्री को डिवाइड बाय सेवन माइनस सेवन, वन बाय सेवन, आर थ्री को डिवाइड करूंगी माइनस वन बाय सेवन से, तो क्या हो जाएगा ये जीरो, ये और जीरो, वन माइनस वन माइनस वन, जीरो जीरो कितना हुआ ये वन, और ये कितना हुआ सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, जीरो जीरो माइनस नाइन और माइनस ट्वेंटी सेवन था, क्लियर। अब ये आ गई और ये भी आ गई। अब जो थर्ड वाली पाइवट एंट्री है उसके ऊपर नीचे क्या करना है मुझे, जीरो करना है, करते हैं फटाफट। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको जीरो करना है, तो इसके विद रिस्पेक्ट में करो आर वन, क्योंकि यहां पे जीरो है ताकि इसमें फर्क ना पड़े, ठीक है, आर वन माइनस टू आर थ्री, और नेक्स्ट ये जीरो हो जाएगा, और आपको क्या करना है, ये वाला भी जीरो करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस आर टू, आर टू प्लस आर आर थ्री, और लास्ट आर फोर, आर फोर को इसके विद रिस्पेक्ट में करो, तो आर फोर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो प्लस नाइन आर थ्री, ठीक है, आर थ्री के विद रिस्पेक्ट में सबको कर रहे हैं। देखिए ये तो आपका ये जीरो है यहाँ पे ऑलरेडी, यहां भी जीरो ऑलरेडी, टू माइनस टू जीरो, सेवन, और इसका देखिए थ्री टू सा कितना हुआ यहाँ, सिक्स, टू से मल्टीप्लाई कर रहे, तो सेवन माइनस सिक्स वन। अब आर टू को देखिए आर थ्री के साथ जीरो, ये ऑलरेडी वन, माइनस वन प्लस आर थ्री जीरो, और यहां भी माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री कितना हुआ टू हो गया। अब आर थ्री एज इट इज, और लास्ट बचा आर फोर को आर थ्री के साथ जीरो, जीरो माइनस नाइन जीरो, माइनस ट्वेंटी सेवन, और प्लस ट्वेंटी सेवन कितना हो गया जीरो। तो अब देखिए अब कुछ है यहां पे मुझे, फर्स्ट रो में मेरी नॉन जीरो एलिमेंट वन, सेकंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट थर्ड रो में, और यहां तो ऑलरेडी क्या हो गया जीरो हो गया। अब जरूरत है कुछ करने की, तो मेरी ये पाइवट एंट्री आ गई और ये पूरा इक्वेशन फॉर्म में डिवाइड हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था ऑगमेंटेड फॉर्म, अगर यहाँ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी आपको अप्लाई करना है। अब हो गया, अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था एम एम लीनियर इक्वेशन एन वेरिएबल, एम इक्वेशन है ये, ठीक है, लेकिन एन क्या है वेरिएबल है, तो क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स वाई जेड था, ये एक्स है ये वाई है ये क्या है जेड है, ठीक है। तो हो गया, क्या है आपका एक्स कितना आया वन, वाई टू, और जेड कितना आ गया थ्री, तो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू टू, जेड की वैल्यू थ्री, ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो एक्स वन जीरो वाई वन जीरो जेड वन इज इक्वल टू वन, तो मतलब एक्स वन ही आ रहा है, जीरो एक्स वन एक्स वाई
प्लस जीरो जेड, ठीक है, इज इक्वल टू टू, बट एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी थी, इज दैट क्लियर। तो ये था आपका कि अगर आपके पास फोर इक्वेशंस है तो आप कैसे करेंगे, क्लियर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई, एंड नेक्स्ट आप देखिए अब मुझे क्या करना है, अगर सिर्फ आप इतना देखते हैं तो इसको बोलते हम रो ए, मतलब रैंक ऑफ ए कितने है, रैंक ऑफ ए में नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो रोज, तीन, तो रैंक कितना है इसका, तीन। अब अगर मैं बोलू रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, तो पूरा ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो यहां भी है, यहां भी है एलिमेंट, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले में एलिमेंट नहीं है, तो नॉन जीरो रोज आपकी कितनी है, वन टू एंड थ्री। और एक चीज होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, एन होता है, ठीक है, एन क्या है आपका, एक्स वाई जेड, तो नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने हैं, थ्री है। तो अभी मैं एक चार्ट करवाऊंगी आपको, तो आप समझ के कैसे करना है कि अगर मेरा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर आए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर आया, कितना आया मेरा सबका, थ्री आया, तो इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, सिस्टम इज ये कंसिस्टेंट है और क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। हम करते थे होमोजीनियस में, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, ये क्वेश्चन मेरा नॉन होमोजीनियस का है जिसमें इस तरफ जीरो नहीं होता है, और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है कि नहीं, तो बस वही चीज है। अब आपको इसके थ्रू देखना है, क्योंकि ये तो चार चार इक्वेशन है, यहाँ तीन इक्वेशन में तो हम देखते थे क्रैमर रूल से, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस फॉर्म में, इक्लियन फॉर्म में लाएंगे, या इक्लियन फॉर्म में लाएंगे सॉरी, तो और रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए सिर्फ इतना है, तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरोस, ठीक है, तीन रोज में, और रैंक ऑफ ए ऑगुमेंटेड बी पूरा वन टू थ्री, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी आपके कितने, एक्स वाई जेड, तीन ही है, तो अगर ये बराबर है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, इज इट क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन, ये कौन सा है, होमोजीनियस इक्वेशन का, इसको करते हैं, इसको आप क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे समझाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट में आपको चार्ट समझाना है, तो उसके थ्रू कैसे आएगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले ऑगुमेंटेड फॉर्म मैट्रिक्स में लिखिए, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी होता था हमारा, लेकिन यहाँ क्या होगा, ए बी क्या है मेरा, जीरो, ये है ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, कन्वर्ट कीजिए, फोर माइनस एट माइनस टू थ्री माइनस फाइव माइनस टू टू माइनस एट एंड वन, यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो एंड जीरो, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, इसको ट्राई करना है कि हर एक नॉन जीरो फर्स्ट रो में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, तो यहाँ वन लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फोर से डिवाइड, फोर से डिवाइड, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, वन बाय टू, तो एक और ऑप्शन है, फोर माइनस थ्री कितना होता है, वन, ये ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक, तो डिवाइड में नहीं आ रहा, तो डिवाइड से बचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आर टू आर वन माइनस आर टू, फोर माइनस थ्री क्लियर, वन माइनस एट माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री हो गया, माइनस टू और प्लस टू जीरो, और जीरो पे तो कोई ऑपरेशन ही नहीं लगेगा, ठीक है, जीरो समथिंग जीरो, और बाकी थ्री माइनस फाइव माइनस टू जीरो टू माइनस एट वन एंड जीरो। अब देखिए फर्स्ट मेरी जो पाइवट एंट्री है या फिर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट रो में कितना गया, वन, अब मुझे ये जीरो करने करने के लिए तो मैं क्या करूंगी, आर टू, आर टू माइनस थ्री आर वन, आर थ्री, आर थ्री माइनस टू आर वन, ये लगा लेते हैं, वन माइनस थ्री जीरो, जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो, अब इन दो को करो माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस नाइन हो जाएगा ये, तो कितना हुआ, फोर माइनस टू और ये जीरो और ये तो जीरो ही, टू माइनस वन मतलब टू माइनस टू जीरो, थर्ड वाला ये वाला ऑपरेशन, माइनस एट और प्लस सिक्स माइनस टू और जीरो, ये वन रहेगा और ये जीरो, देखिए पहली आई और ये क्या हो गया, जीरो, नेक्स्ट चाहिए मुझे वन, यहाँ पे वन चाहिए तो किससे डिवाइड करूंगी, टू से, एक और ऑप्शन देखो, यहाँ पे अगर मैं फोर
प्लस करती हूँ तो भी वन आता है, लेकिन ये ऑपरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, तो वो मुझे नहीं लाना है क्योंकि यहाँ पे मुझे जीरो ही चाहिए, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, अवॉइड। मैं क्या करूंगी, आर टू को डिवाइड करूंगी वन बाय फोर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन माइनस थ्री जीरो, जीरो और जीरो, जीरो डिवाइड बाय फोर, वन डिवाइड बाय फोर, माइनस वन बाय टू, ठीक है, और नेक्स्ट जीरो और बाकी ऐसे माइनस टू लिख दो, वन लिख दो और जीरो लिख दो, क्लियर। अब ये आ चुकी है, ये देखिए, इस पे फोकस कीजिए, तो ऊपर नीचे क्या करना है मुझको, जीरो करना है, तो क्या करूंगी, माइनस थ्री आर वन, आर वन माइनस में है तो प्लस आर थ्री आर टू, और आर थ्री नेगेटिव ही है पहले, तो आर थ्री प्लस टू आर टू, तो आर वन दे, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो और जीरो, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाय टू, थ्री इंटू वन बाय टू, और ये कितना, जीरो। सिमिलरली ये एज इट इज, सॉरी ये एज इट इज रहेगा। सिमिलरली थर्ड रो, थर्ड में क्या होगा, जीरो प्लस, ये तो जीरो ही होगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, वन, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए वन, और ये कितना प्लस टू और माइनस वन बाय टू कट, तो कितना आ रहा है, जीरो, और ये ऑलरेडी जीरो, क्लियर है। तो अब मेरा मैक्सिमम आ चुका है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में नॉन जीरो एलिमेंट ही है, सेकेंड रो में नॉन जीरो एलिमेंट, इसके ऊपर नीचे जीरो कर सकती हूँ, थर्ड रो में पहले से सारा जीरो है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये कौन सी इक्वेशन में था, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, मतलब आपका x1 ये तो जीरो है, ठीक है, माइनस थ्री बाय टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वाली इक्वेशन में ये जीरो है, ये x1 जीरो और x2 वन है, और ये माइनस हाफ एक्स थ्री, ये भी क्या है, जीरो है, ठीक है। अब कैसे करूं, क्योंकि तीन वेरिएबल अननोन है, तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, मान लीजिए के ले लेती हूं मैं एक्स थ्री को, तो यहां पुट कर, लास्ट वाली तो जीरो इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो अब देखिए यहां के पुट कीजिए, एक्स वन माइनस थ्री बाय टू के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू थ्री के बाय टू, के इज इक्वल टू टू एक्स वन बाय थ्री, ठीक है, सॉरी एक्स वन की वैल्यू निकालनी थी, हो गया एक्स वन की वैल्यू। अब एक्स टू की वैल्यू, एक्स वन एक्स थ्री की वैल्यू ये, एक्स टू की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू ये, एक्स थ्री की वैल्यू ये, एक्स टू की वैल्यू यहां से हाफ, एक्स थ्री कितना है के, तो एक्स टू कितना आ गया आपका के बाय टू, मतलब मेरा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो के है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, ठीक है, तो कितना आया, एक्स वन मेरा आया थ्री के बाय टू, एक्स टू के बाय टू, और एक्स थ्री पहले ही के लिया है। अब देखिए क्या है, के तो कुछ भी हो सकता है, तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही, तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, क्या था ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, और हमने किया था होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में क्या, दोनों कंसिस्टेंस होते थे, एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्या होता था, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। एंड लास्ट देखिए यहां पे रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए कितना है, टू, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी कितना है, ये पूरा देखिए इतना, यहां भी टू है, क्लियर। और लास्ट बट वेरिएबल, वेरिएबल देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तीन वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितने, थ्री। तो जब आप ऐसे आए कि रैंक ऑफ, क्या लिख लेते हैं इधर, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ये दोनों क्या है, लेस देन, छोटे है किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, दिख रहा है आपको, ये टू आया, ये टू आया, ये क्या है, थ्री है,
तो आपका क्या होगा सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। आई थिंक ये क्लियर है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कभी मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आए, रैंक पूछे तो अब आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन पूछे तो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी निकाल सकते हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट है, यूनिक सोल्यूशन है, तो भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट है मेरा, मैंने एक चार्ट बनाया है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस आपको समझाने के लिए। मैंने क्रैमर रूल में भी कराया था, मैट्रिक्स मेथड में भी कराया था, और लास्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स में भी करवा रही हूँ सबके लिए। आप क्रैमर रूल वाला 3x3 ऑर्डर या 3 इक्वेशंस के लिए आसान है, 3 इक्वेशंस होगी, लेकिन जो आपका ये वाला है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स वाला, ये अगर 4 इक्वेशन है या फिर डायरेक्ट कुछ ऐसा दिया है आपके पास, रैंक वाली स्टेटमेंट दी है और आपको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे होमोजीनियस में हमारा बी क्या होता था, 0 होता था, तो मैंने अभी क्वेश्चन भी किया था एक थोड़ी देर पहले, नॉन ट्रिवियल आया था क्योंकि अगर रैंक ऑफ ए मेरा लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से, एन इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या होगा नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट, और ये तो पता है कि होमोजीनियस में दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आया, आप इक्लियन फॉर्म में करिए, ऑगमेंटेड फॉर्म को इक्लियन फॉर्म में बनाइए, रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आएगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको और ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, ये था होमोजीनियस के लिए। नॉन होमोजीनियस के लिए देखिए, जिसमें बी आपका 0 नहीं होता, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मैंने बताया था नो सॉल्यूशन। क्लियर, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा इसका स्टेटमेंट, कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डज नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। क्लियर, तो और अगर सपोज मान लीजिए आपके पास एग्जाम में ये डायरेक्ट दिया है और पूछा है ये कौन सा सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो एक डायरेक्ट तरीका भी है नो सॉल्यूशन, कैसे पता चलता है कि अगर आपकी लेफ्ट ऑफ ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड के लेफ्ट में सारे जीरोस है, ठीक है, ऑगमेंटेड के लेफ्ट में सारे जीरोस है, और लेकिन उसकी जो लास्ट एंट्री है वो क्या है, 1 है, तो ये हमेशा नॉन सॉल्यूशन होगा। क्लियर, लास्ट लेफ्ट ऑफ ऑगमेंटेड में क्या है, सारे जीरो, और लास्ट जो एंट्री है 1 है, तो वो क्या होगा, नॉन सॉल्यूशन होगा। एंड नेक्स्ट, आपका कंसिस्टेंट में 2 आते थे, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो मैंने बताया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने, तो एक्स की वैल्यू ए बी सी कुछ भी आ सकती थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू। बट अगर इस पे देखे आप, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे बराबर आए थे, इट मीन्स वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था। और एक और चीज है, अगर ऐसा हो हर एक रो में आपको, या हर एक रो या फिर हर एक कॉलम में आपको क्या मिले, पाइवट एंट्री मिल रही है, तो आपका एक्स, ये वाई और ये क्या होगा, जेड, तो 0 0 1, एक्स वाई एंड जेड वैल्यू, क्योंकि हर एक रो में आपको पाइवट एंट्री मिल रही है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर ऐसा बन रहा है फॉर्म कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ए के, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, बट ये दोनों का जो है जितना भी इनका रैंक आता है कम आता है नंबर ऑफ वेरिएबल से। अगर रैंक 2 है करवाया था और ये वेरिएबल्स 3 है, तो आपका क्या होगा, वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ अब इसमें, मतलब ये वाला सपोज आपके पास एंट्री है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या है कि अगर एक कॉलम में देखिए ये वाला C3 लेफ्ट, ठीक है, अगर इसमें आपका पाइवट एंट्री नहीं बन रही किसी भी एक कॉलम में, यहाँ पाइवट एंट्री 1 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ C3 में क्या है, पाइवट एंट्री नहीं बन रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, तो आप ये याद रखिए, मेरा मेन मोटो था ये आपको पता चाहिए, ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत याद ही करने पड़ेंगे फॉर्मूलास है। आई थिंक क्लियर हो गया है कि इनका मतलब क्या है। तो मतलब के लिए पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझना है, फिर इक्लियन फॉर्म समझनी है, देन जाके फिर एक दो क्वेश्चन करिए, आपको सारा अपने आप समझ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक लेक्चर वीडियो पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।